अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी विक्रेता 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक एमपीई सर्विस पोर्टल के माध्यम से आतिशबाजी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से करना होगा। शहरी क्षेत्र रीवा के लिए आतिशबाजी लाइसेंस के आवेदन की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। शहरी क्षेत्र में आतिशबाजी के नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपर जिला दंडाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आतिशबाजी लाइसेंस के आवेदन के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, वोटर आईडी एवं आधार कार्ड की छाया प्रति और 500 रुपए शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। आतिशबाजी पटाखा विक्रय के लिए अस्थायी लाइसेंस धारी को बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड कुटेही में दुकान लगानी होगी। अपर कलेक्टर ने बताया कि दुकानों का आवंटन 20 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे से लॉटरी द्वारा किया जाएगा। लाइसेंस धारी दुकानदार की 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक एवं 4 नवंबर को आतिशबाजी पटाखा विक्रय हेतु बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड कुटेही में तथा ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी। आतिशबाजी विक्रय के निर्धारित स्थल के अतिरिक्त कहीं भी आतिशबाजी की दुकान लगाना व विक्रय दंडनीय अपराध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को भारत सरकार द्वारा जारी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के क्रय विक्रय हेतु निर्देशों का पालन करना होगा। अपर कलेक्टर ने कहा कि आतिशबाजी को सुरक्षित एवं ज्वलनशील सामग्री से बने टीन सेट का निर्माण व 1 अग्निशमन यंत्र एवं 2 रेत की बाल्टी की व्यवस्था लाइसेंसधारी स्वयं करेंगे। दुकान से सुरक्षा की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी व्यापारी की होगी। आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी एवं किसी सुरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होंगी। यह अस्थायी दुकानें एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगी। सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश के लिए किसी प्रकार का तेल लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्तियों का उपयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली की लाइनों का उपयोग किया जाता तो उसे या तो दिवाली या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं होंगे। इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकान के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा। उन्होंने कहा कि किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। दुकान आवंटित होने पर उसका संचालन स्वयं करना होगा। उसे अनुज्ञप्ति पत्र की मूल प्रति अपनी दुकान में अपने फोटो के साथ प्रदर्शित करना होगा।